नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का स्वागत है। और फाइनली डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज पैरोल मिल गई है और इसके लिए काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह प्रयास भी कर रहे थे। और हरियाणा की रोहतक जेल में रेप और मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। गुरमीत को शुक्रवार यानी कि आज रोहतक की सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया, जहां उनकी माता जी बीमार हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि गुरुग्राम में गुरमीत को कहां रखा गया है, उसे पैरोल कितने दिन की मिली है ये भी अभी नहीं बताया गया है। सूत्रों की माने तो गुरमीत की माँ भी उनसे मुलाकात करने वहां पहुंचेंगी। और मैं आपको बता दूं कि राम रहीम ने 17 मई को सुनारिया जेल के सुप्रीटेंडेंट सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन किया था। और अभी आप जानिए कि एपी सिंह क्या कहते हैं। जेल मैनुअल भारत के संविधान आईपीसी सीआरपीसी के तहत जेल प्रशासन द्वारा सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट आने के बाद दी गई है, जेल मैनुअल के हिसाब से दी गई है। कोई असंवैधानिक उनको तरीके से पैरोल नहीं दी गई है, कानूनी तरीके से पैरोल दी गई। और माता पुत्र और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है और पुत्र माता के लिए बहुत समर्पण होता है। ऐसी स्थिति में उनकी माता गुरुग्राम में बीमार है, बहुत बुजुर्ग है, एजेड महिला है, और उस आधार पर उनको जो बेल दी गई कि उनकी देखभाल कर सके, उनकी सेवा कर सके। कोरोना काल चल रहा है, मौतों लोग कर रहे हैं उनका, क्योंकि हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक सिख समिति के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं और उनके ही कुछ लोग उससे संबंधित उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसके पीछे पोशाक की बात, अमृत की बात, इस तरह की कई चीजें वो चीजें रही हैं, इसलिए उनका विरोध है करने का, लेकिन विरोध का कोई औचित्य नहीं रह। तो दोस्तों, इससे पहले भी उनको पैरोल दी गई थी, एक दिन की पैरोल मिली थी। उस समय भी उनकी माँ बीमार थी वेदांता में। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब राम रहीम की माँ की तबीयत खराब हुई थी वेदांता गुरुग्राम में, वो दाखिल हुई थी हॉस्पिटल में, उस वक्त राम रहीम को सिर्फ एक दिन की पैरोल दी गई थी और बहुत गुपचुप तरीके से दी गई थी। उनको उनकी माँ से मिलवाने ले जाया गया था, इस पर हरियाणा सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। और अभी आज जो उनको पैरोल दी गई है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि उनको कितने समय के लिए पैरोल दी गई है। और गुरमीत के परिवार वालों ने हनीप्रीत से मिलने की जिद की थी उस समय, और पीजीआई के मेडिकल बोर्ड ने उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया था। और आज अब देखिए उनको कितने दिन की पैरोल मिलती है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स और फॉलो करते रहिए कोरोना का प्रोटोकॉल। बेमतलब में बिना किसी काम से घर के बाहर ना जाएं और अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।